आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है ये, चैप्टर 13, डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर, एक्सरसाइज है 13.1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस ए ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेडियस आर दिया हुआ है, हाइट एच दिया हुआ है, व्हेन द रेडियस वेरीज। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का मतलब ये होता है कि किस गति से, किस स्पीड से चीजें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये हम रेट से पता लगाते हैं और यहाँ हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो होता है 2πr r + h। इसका मतलब होता है कि क्योंकि सिलेंडर में दो ये पोर्शन है ऊपर के नीचे के और फिर ये वाला पोर्शन है, इन दोनों को जोड़ के टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसको लिखते हैं कि भाई हमारा टोटल सरफेस एरिया टी 2πr और r प्लस एच है, तो हम इसको, अच्छा इन्होंने कहा रेडियस वेरी कर रहा है, मतलब जो वेरिएबल है वो रेडियस है, तो आप dt/dh नहीं करेंगे, dt/dr करेंगे। बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करना है आप, ओके? तो बेहतर ये रहेगा हम इसको अलग कर लें, 2πr² + 2πrh। अब हम करेंगे dt/T सकते हैं आप, dt/dr करेंगे, तो 2π डिफरेंशिएशन आपको पता ही, r स्क्वायर का 2r होगा और यहाँ 2π एच कॉन्स्टेंट मानेंगे, आर का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो क्या बना आपका 4πr + 2πh, चाहे तो इससे 2π कॉमन ले लें, तो आपका बना 2r + h। ये जो उत्तर आएगा आपका, आपको ये सब लिखना है, ये सब चीजें ना, ये सब दर्ज करनी है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाएंगे इसमें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम पहले चाहिए आपको विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। डायमीटर देखिए, रेडियस नहीं कहा गया इसमें, डायमीटर कहा गया है, तो पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए स्फीयर का क्या होता है। वॉल्यूम है 4/3πr³, लेकिन ये रेडियस है, ये कहते हैं कि भाई डायमीटर चेंज हो रहा है, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन होना है, रेट तभी निकलेगा, लेकिन डायमीटर के रिस्पेक्ट में होना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए साहब, ये है 4/3πr³, ये आपका वॉल्यूम है। अब आप जानते हैं जो रेडियस होता है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि दो, ये जो रेडियस है ना, इसी को मैं बढ़ा दूं यहां से यहां तक, तो इसका डायमीटर हो जाएगा, तो 2r बराबर d हो गया ये। अब आपको 4/3πr³ दिया हुआ है, इसकी जगह आप क्या करेंगे, ये d/2 कर देंगे, मतलब अब क्या है, ये डायमीटर के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, v बराबर 4/3π, रेडियस की जगह हम लिख देंगे डायमीटर बाय 2 का होल क्यूब, ओके? तो क्या बना ये 4/3π डायमीटर क्यूब बाय 8, 4 × 2 = 8 हो गया, आपका हो गया π d³/6। अब ये आपका क्या फॉर्मूला बना है, अब आपको डायमीटर के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम करेंगे dv/dd। ये अब मैं इससे इसलिए बच रहा था यहाँ पर, इसलिए ये r ही रखा हुआ है, क्योंकि ये dd थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन करना तो ऐसे ही है। तो पाई ये 6, d³ का क्या होगा 3d², तो आपका क्या हो गया 3π, मतलब 3 × 2 = 6, ये आपका π d² आया बाय 2, ये π d² / 2 आया। अब d की जगह आप चाहे तो रेडियस प्लेस कर दीजिए, ये आपके ऊपर है, d की जगह क्या है 2r है, तो π/2 2r² यानी कि π 4r² / 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 2πr² ऐसे लिख सकते, ठीक है साहब, आप समझ गए ना डायमीटर और इसमें क्या रिलेशन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 cm, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया 4/3πr³, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब d/d समथिंग निकालना है ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 cm। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या है इसका, 4/3πr³, अभी अभी आपने देखा है ना। अब जो डी, ये 4/3πr³ है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, देखिए ये वॉल्यूम की जगह आपको, आप सीधा टोटल सरफेस एरिया लीजिए, टोटल सरफेस एरिया क्या है आपका, ये है 4πr², ये भी आपको पता है 4πr² होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि dv विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया यानी कि ds, तो आपको dv/ds निकालना है, ध्यान रहेगा dv/ds निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर
with respect to its surface area. तो इससे आपको surface area अलग निकाल लेना है. जैसे अगर आप volume लिखें और volume में आप इसको इस तरीके से लिखें 4pi, क्योंकि ये surface area 4pi r square है ना, तो आपको ये 4pi r square dv by ds करेंगे हम. तो dv by ds कैसे निकलेगा, पहले आपको dv by dr निकालना है, फिर ds by dr निकालना. ध्यान रखिए ये parametric form है. तो dv by dr हम निकालेंगे, ds by dr निकालेंगे, दोनों को divide करेंगे तो dv by ds आएगा. तो dv by dr क्या होगा, यहाँ direct कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा 3r square, ये 3 कैंसिल, 4πr² आ गया. ये आपका dv by dr आया है. ds by dr ये क्या होगा, 4πr² का 2r, यानी कि ये हो गया 8πr. अब dv by ds के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे dv by ds और 8πr आया है, इसको डिवाइड कर देंगे. यानी dv by ds निकालने के लिए मैंने किया dv by dr divided by ds by dr, तभी तो dv by ds आएगा. तो अब ये आपका dv by ds आ गया है. तो ये क्या हुआ बना आपका, ये तो खैर 2 हो गया, ये एक r हो गया, तो r by 2 आ गया. तो dv by ds आपका r by 2 आ गया. लेकिन उन्होंने कहा कि जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तब बताइए, तो रेडियस की जगह 2 रख दीजिए, 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया. ये इसका उत्तर हो गया. लिखना आपको कुछ इस तरीके से है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क. अब सर्कुलर डिस्क होती कैसे, पहले आपको दिखा दूं मैं. इस तरीके से सर्कुलर डिस्क होती है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, पहले तो आपको एरिया चाहिए सर्कुलर डिस्क का, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा हो गया है ना, सर्कमफेरेंस को मैं सी से कह देता हूँ, व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. तो इसमें भी ऐसे ही करना है, आपको एरिया पता होना चाहिए, आपको सर्कमफेरेंस पता होना चाहिए. तो एरिया होता है, आप जानते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर है ये वाला एरिया, और सर्कमफेरेंस तो खैर 2πr होता है क्योंकि ये सर्कुलर थिंग है. और आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस क्या है, सी. तो dA/dC निकालना है. तो इसके लिए आपको पहले dA/dr निकालना होगा. ये क्या हो जाएगा, ये पाई और 2r, तो 2πr हो गया ये. और dC/dr निकालेंगे आप, तो dC/dr क्या हो जाएगा, ये 2π बनेगा. अब dA/dr dC/dr दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आएगा dA/dC, ये था 2πr, ये है आपका 2π, काट दीजिए केवल r आ गया. इन्होंने कहा r 3 सेंटीमीटर में निकालिए, तो 3 सेंटीमीटर हो गया. तो dA/dc आपका 3 सेंटीमीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ऑलराइट, इस तरीके से लिखना है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस. अब देखें, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3πr². ये आपको आइडिया होगा, जस्ट जिनको थोड़ा सा याद ना आ रहा हो रिकॉल कराने के लिए मैंने दिखा दिया. इन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस. तो आपको ये वॉल्यूम पता है डीवी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dV/dr निकालना है सिंपल 1/3πr². ओके, कैसे निकालेंगे जी, केवल इसका बहुत ही सिंपल, इसका डिफ्रेंशिएशन करना आर के रिस्पेक्ट में. तो ये 1/3πh, तो आप कॉन्स्टेंट ले लीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, तो क्या आया जी आपका 2/3πr², ये इसका उत्तर हो गया. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज 5 सेंटीमीटर. तो सर्कल का तो रेडियस आपको बहुत क्लियर है ना, अगर आपको रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर है, डायमीटर है तो ये हो जाएगा, और सर्कमफेरेंस दिया है तो ये हो जाएगा, ये आपको क्लियर है. तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. तो dA/dr निकालना है आपको, ये क्या हो जाएगा, पाई तो ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो 2πr हो गया ये dA/dr. r आप रख दीजिए, ये कहते हैं 5 सेंटीमीटर, तो 2 × π × 5, यानी कि 10π हो गया. चाहे तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, 22/7 होती है, 3.14 होती है, ये कर सकते हैं आप. तो ये आपका पाई 10π इसका उत्तर आ, लिखना ऐसे है जी. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. हम निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे. तो पहले हमें ध्यान देना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल. बॉल की बात हो रही है, अब बॉल क्या मतलब, स्फीयर की बात हो रही है ना, स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ लिख देते हैं, ये आपका 4/3πr³ है. वॉल्यूम बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज मतलब dV/dr निकालना है आपको. 4/3π, ये हो गया 3r², तो 3 हटा दीजिए, 4πr² आ गया. रेडियस इसमें रख दीजिए 2, dV/dr आपको निकालना है एट 2, तो r बराबर 2 पे निकालना है इसको. 4π r की जगह आप 2² रख दीजिए, ये जो उसका उत्तर आएगा, लिखना कैसे ये बता देता हूँ आपको. ये आपका 2 × 4 = 16 ये इसका उत्तर हो गया. द टोटल कॉस्ट cx एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस. फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो आपको सीधा ये जो फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट करना है, और जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो x की जगह 17 यूनिट रख देना है.
इतना ही करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं फटाफट, सी एक्स, मैं डिफरेंशिएशन कर दूं डायरेक्ट, डी सी डी बाय जो डी एक्स, ऐसे करना है। तो ये आपका हो गया 3 इंटू 0.007 एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका आ गया 2 इंटू 0.003 एक्स प्लस, ये 15 हो जाएगा, एक्स चला जाएगा। ये जो है इसमें आप एक्स की जगह आप 17 डाल दीजिए, बस यहाँ पर आपको 17 डालना है। और फाइनल रिजल्ट जब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ करना नहीं है, बस डिफ्रेंशिएशन करना है। और ये जो कंटेंट है आपका आ जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर, ये आएगा 0.06 एक्स, और इसकी जगह जब 17 रखेंगे तो आपका 20.967 आ जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी जगह 17 रख के आंसर निकाल। बिल्कुल सेम सवाल कुछ इसी तरीके से है, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब ये आर एक्स आपको दिया हुआ है 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7। तो पहले डी आर बाय डी एक्स निकाल लीजिए, ये आपका हो गया 13 इंटू 2 26 एक्स प्लस 26, ये जीरो हो जाएगा। x बराबर 7 रख दीजिए, मतलब ये चीज आपको एट x बराबर 7 निकालनी है। तो 26 इंटू 7 प्लस 26, और ये मल्टीप्लीकेशन तो बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं, आपको 208 आ जाएगा रुपया। ये लिखना ऐसे है, प्रॉपर है ना। द मनी टू बी स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू। इफ द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5 एंड राइट व्हिच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट। अभी क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, काफी चीजें हैं इसमें, लेकिन हमारा मेन मुद्दा बस वही है जो अभी हमने पिछले सवालों में किया। हमारे पास ये आर एक्स दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x, तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x, ये 36 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। इन्होंने कहा 5 पे निकालिए, तो 6 इंटू 5 प्लस 36, मतलब 30 प्लस 36 यानी कि 66, मार्जिनल रेवेन्यू आपका 66 हो। ओके, अब एक चीज इसमें और है, राइट द Right, which value does the question indicate? ये आपको बताता है कि जो एक्स्ट्रा, मतलब जो अलहदा पैसा खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा मनी एक मतलब एम्प्लॉइज पे, वो 5 से 6 हो गया, बस ये आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजरर, चैप्टर 13, एक्सरसाइज पहली। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।